मैं कैफ गजनवी की बात कर रही हूँ. कैफ ने एनसीए से ग्रेजुएट किया है. कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आर्ट्स से उन्होंने मास्टर्स किया है. फुल ब्राइटर हैं और इस वक्त वो हमें म्यूज़िकल थिएटर एक्सर्ट दिखा रही हैं. इनकी परफॉर्मेंस का नाम है केजराली तेरियाहट, जिसका मतलब है औरत की ज़िद. नज़्म फहमीदा रियाज की है, डायलॉग्स मुस्तफ़ा हाशमी के, कंपोजिशन एंड कोरियोग्राफी खुद कैफ की है. तो देखते हैं. सही है, आवाज़ आ रही है. आदाब. सन 1730, गांव केजराली, जोधपुर, राजस्थान. थर का ये छोटा सा गांव बिश्नोई लोगों का घर है. ये वो जगह है जहां अमृता देवी ने अपने सर की कुर्बानी देकर एक ऐसी मुहिम का आगाज किया जिसे आज चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. 363 बिश्नोई लोगों ने अमृता देवी के देखा देखी राजा अभय सिंह के जंगलात की कटाई के मंसूबे को अपना सर कलम करवा कर नाकाम किया. आज तारीख के पन्नों में अमृता देवी एक मिसाली नाम तस्लीम की जाती हैं. केजर या केजराली हमारे इलाके में कंडी के नाम से मशहूर है और इसी केजर ही के नाम पर केजराली का गाँव का नाम रखा गया है. ये दरख्त सहरा के लोगों के लिए बहुत अहम सब्ज़ा है. छांव देने के साथ साथ ये इसका जो फूल है उसको पकाकर खाया भी जाता है भाजी के तौर पर और मुख्तलिफ तबाताती दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं इससे. मेरी कहानी का सिरा अमृता देवी के इस दरख्त से मोहब्बत से जुड़ा हुआ है. इस सिरे को पहचानते हुए मैं एक वन में पहुंची, जहां केजराली नामी एक लड़की रहा का बसेरा था. धा धा
केजराली के फूल की खुशबू राजा तक पहुंचती है, जो एक हिरण का शिकार करते करते इस बन में आ पहुंचा है। राजा केजराली को देखकर महबूत रह जाता है। केजराली की मोहब्बत राजा को मुअत्तर करती है और वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। उन दोनों की आंखें मिलती हैं और एक दूसरे की मोहब्बत को कबूल करती हैं। मैंने हमेशा गोल बूटों से प्यार किया है, इन दरख्तों से अपने दिल की बात कही है, ये मेरे हमराज हैं, मेरे दिल साज हैं। तुम इस कायनात के पहले मर्द हो जिसकी धड़कनों में मेरा दिल धड़कना चाहता है। हमारी कुर्बत की चाह में कितनी कवारियां आबरू के एक इशारे पर अपनी शोक जवानियां लुटाने को तैयार है, और हमारा दिल इस रस भरी पर आ गया। तुम मेरे लिए आसमानी तोहफा हो, अब अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगा, बैंड बाजे के साथ अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा। लेकिन अगर इस तरह मैं तुम्हारे साथ चली गई तो मेरे जंगल की दुनिया तो वीरान हो जाएगी। ये दरख्त, ये जंगल, ये झरने, ये गुनगुनाते पत्ते, ये सरगोशियां करते फूल, ये टहनियों की सरसराहट, बादलों की गुदगुदियां मेरे बगैर गूंगी हो जाएंगी, बहरी हो जाएगी। इन दरख्तों में मेरी रूह है, इनके बगैर मैं अधूरी हूं। फूल तो मेरी नगरी में भी बहुत है, दरख्त इससे भी ऊंचे, झरने आसमानों से बातें करते, नीचे जमीन पे गिरते। अच्छा चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत अफजल है, तो हम इन्हें साथ ले जाते हैं। इसकी तुम मसहरी बना लेना और इस वाले का तख्त बना लेना, जहां तुम मेरे साथ अपने राज में आराम करोगी और रियाया से अपने हम कलाम होगी। मसला हल, तब तो ये सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेंगे। दरख्त कैसे ले जा सकते हो, इनकी जड़ें तो इस जमीन में बहुत दूर तक, मीलों तक धसी हुई हैं। इनकी जड़ें मेरे अंदर जमी हुई हैं। इनको जबरदस्ती निकालोगे तो ना ये बचेंगे और ना मैं। ये कुदरत का शाहकार है, इनको फितरत से दूर मत करो। ये मेरी पहली मोहब्बत है और पहली मोहब्बत का मामला बहुत अजीब होता है राजा, तुम नहीं समझोगे। मेरी चमेली की नर्म खुशबू हवा के दोबारा, मेरी चमेली की नर्म खुशबू हवा के धारे पे बह रही है, हवा के हाथों से खेलती है। तेरा बदन ढूंढने
चली है मेरी चमेली की नर्म खुशबू, मेरी चमेली की नर्म खुशबू, मुझे तो संजीर कर चुकी है, उलझ गई है कलाइयों में, उलझ गई है कलाइयों में, मेरे गले से लिपट गई मुझे तो संजीर कर चुकी है मेरी चमेली की नर्म खुशबू, वो रात की गुहर में छुपी है, सयाह खनकी में रच रही है, घनेरे पत्तों में सरसराती तेरा बदन चली है, वो रात की कोहर में छुपी है मेरी चमेली की नर्म खुशबू खुशबू। तुम अपनी मोहब्बत के पीछे मेरी मोहब्बत ठुकरा रही हो, लो फिर तुम्हारे बजाय इन दरख्तों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, अब चाहे दूर हो जाओ, ये मेरी जिद है। जानती हो तीन हटे जिनसे कोई नहीं टक्कर ले सकता, बालक हट, तीरिया हट, राज हट, और मैं राजा हूं, और मेरी जिद है कि अब तुम नहीं सिर्फ ये दरख्त जाएंगे। दरख जाएंगे? अरे अरे ठहरो, रुको, राजहट, राजहट, राजहट की धौंस जमाई, नफरत की आवाज सुनाई, मैं ही, अरे देखो कैसी रट लगाई, जाने दो इस मूसी अफसाने को, गैर फाल माजूर बहाने को, इस कुदरत में बड़ी शिद्दत है, बड़ी ताकत है, बड़ी हिम्मत है, फिर जो तेरा गरूर न मानेगा, अना को ही देवता जानेगा, तो जाओ गर्क हो जाओ और अपनी हवस का पाठ, अपनी झूठी जात, छोटी औकात, सब खराफात, सब लुगवियात। हौसला है, आगे बढ़ो, अरे तुम राजा हो, मुझ हकीर से मत डरो, ऐनी शाहिद बनके देखो कितने सर जाएंगे कट, क्योंकि जाग गई है, चीख पड़ी है, तीरिया हट मेरी, तीरिया हट। तीन सौ तिहत्तर बिश्नोई लोगों ने अपने सर कटवा कर केजराली के जंगल को आबाद किया। शुक्रिया।
और अब लास्ट परफॉर्मेंस है हमारी न्यू कमर हैं आर्टिस्ट हैं मरियम सैयद की ये CBM से ग्रेजुएट हैं डांस रिसाइटल है फहमीदा रियाज की पोइट्री पे तो आ रही हैं मरियम सैयद बेहया औरत पड़ी रह इधर खबरदार जो तूने इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश भी की टांगे तोड़ दूंगी तेरी ये हमें आंखें दिखाती है चल इधर ले ये अपना बच्चा भी संग दिल रिवाजों की ये इमारत को ना अपने आप पर नादिम अपने बोझ से लर्जा जिसका जर्रा जर्रा है खुद शिकस्तगी सामा सब खमीदा दीवारें सब झुकी हुई कड़ियां रिवाजों के खस्ता हाल जिंदा में एक सदाए मस्ताना एक रक्से रिंदाना ये इमारत कोना टूट भी तो सकती है ये असीर शहजादी छूट भी तो सकती है ये असीर शहजादी जबर खौफ की दुख्तर वाहिमो की परवरदा मसलहत से हम बिस्तर जोफो यास की मादर जब नजात पाएगी सांस लेगी दर्राना महवे रक्स से रिंदाना अपनी जात पाएगी जने जिंदा जिसका जिस्म शोला है जिसकी रूह आहन है जिसका नुत्क गोया है बाजुओं में कुव्वत है उंगलियों में सन्नाई वलवलों में बेबाकी लज्जतों की शैदाई इश्काशना औरत वसलाशना औरत मादरे खुदावंदी आदमी की महबूबा
हमारा आज का आखिरी सेशन है ख्वातीन आलमी मुशायरा, जो कि चंद लम्हों में स्टार्ट हो जाएगा। शुक्रिया।